हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश पे सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गाइस ऑफ टेंसेस आई होप कि आपने टेंसेस पढ़ लिए हैं सो so, आप डिस्कस करते हैं कि टेंसेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि टेंसेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न टेंसेज इसलिए मैंने आपको टेंसेज के टोटल ट्वेल्व स्ट्रक्चर्स दिए थे विथ ट्वेल्व नेम्स वॉट एवर हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे बहुत से सो so, सिंपली आज हम डिस्कस करने वाले कि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन होते हैं दो टाइप के आज वही डिस्कस करने वाले हैं आई हैव कम विद अ डिफरेंट क्वेश्चन टूडे सो प्लीज डोंट फॉग इट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर स्टिल न्यू हियर सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक टूडे

मतलब एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना होता है ओके लुक एट नाउ आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले ये भी पहले देख लेते हैं तो कन्वर्ट करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में सामने दी है आपके सामने कि हमें कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट में सो so, आपको इसे प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग है विच इज कि आपको कन्वर्ट करना होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से ये yes, हमने स्ट्रक्चर लिया था प्रेजेंट परफेक्ट का सो आई होप कि आपको पता है स्ट्रक्चर क्या था

एवरी वन हैज कम एवरी वन हैज कम हियर लुकनाओ हमें यूज करना है वर् थर्ड फॉर्म सो कम हुआ आपका वर् थर्ड फॉर्म क्योंकि कम इज व फर्स्ट फॉर्म द सेकेंड फॉर्म इज केम एंड द थर्ड फॉर्म अगेन कम यह आपको पता होना चाहिए सो एवरीवन हैज कम हियर टू टेक आगे तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है टू टेक य साइन ये होगा आपका प्रॉपर आंसर एवरी वन हैज कम हियर टू टेक योर साइन सो हमने जस्ट स्ट्रक्चर फॉलो किया सो so, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा सो so, आप ये क्वेश्चंस इजिली टैकल करोगे यही आपको मैं बताना चाहता हूँ इसलिए मैंने आपको सब टेंसेस पढ़ पढ़ाए थे अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल आपको सब uh, लिस्ट मिल जाएगी वीडियोस की जो मैंने अपलोड किए हैं आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एज वेल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं वी वर कैचिंग बटरफ्लाइज इन द गार्डन वी वर कैचिंग बटरफ्लाइज इन द गार्डन चेंज इन टू फ्यूचर टेंस कन्वर्ट करना है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या स्ट्रक्चर है देखो सब्जेक्ट तो पहले वही रहने वाला है इट विल नॉट चेंज सो हम यूज करेंगे वी से ठीक है वी ओके okay? बाद में हमें यूज करना है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव विथ वर्ब थर्ड फॉर्म वी ओके एज अ सब्जेक्ट देन प्लस विल प्लस हैव ओके प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म सो हम यूज करेंगे वी विल हैव वी विल हैव अभी हमें यूज करना है थर्ड फॉर्म ये होगा आपका थर्ड फॉर्म विच इज कॉट विल हैव कॉट आगे तो सेम ही रहने वाला है आगे तो कोई चेंज ही नहीं होता याद रखना है इट विल बी बटरफ्लाईज क्या होगा यहां पर बटरफ्लाइज इन दार्डन कितना ईजी है ओके सो इट्स वेरी इजी कि हमें देखना है कि स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद हमें विल यूज करना है ंग विथ हैव एंड देन वर्क फॉर्म ओके अगर यहां पर कुछ भी मिस होता है तो आपको मिलेगा जीरो फॉर योर कैन इन्फॉर्मेशन आई हैव बीन चेकिंग बोर्ड एग्जाम पेपर्स फॉर लास्ट एटलीस्ट टेन ईयर्स सो इवन अ सिंगल स्मॉल मिस्टेक ऑफ ग्रामर विल नॉट बी एक्सेप्टेड सो वी एग्जामिनर्स आर वेरी केयरफुल चेकिंग बोर्ड एग्जाम पेपर्स सो आपको देखना है कि आपको प्रॉपरली आंसर लिखना है याद रखना है सो so, ये होंगे इंटरचेंज ऑफ टेंसेज के क्वेश्चन एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं ओकेजनली लाइक नाउ शी हैड टोल्ड मी अबाउट दिस ओके सेंटेंस ये है करना क्या है पिक आउट द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस पिक आउट द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस अभी आपको वर्ब पिक करना है और उसका टेंस बताना है इसका आंसर लिखना कैसे पहले देख लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए इन आंसर आपको क्या करना है देखो पहले आपको क्या पिक करना है आपको पिक करना है वर्ब सो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ब ज इक्वल टू एंड बताना है आपको पता नहीं होगा तो याद रखना है ओके बट okay. अगर आप ओनली टोल्ड थिंक कर रहे if thinking only about told, to pick out, so हो इफ यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट टोल्ड टू पिक आउट सो आपका आंसर होगा अगर ऐसे वर्ड फॉर्म वोर्थ फॉर्म ओके okay. अगर यूज होते हैं अलोंग विथ किसी हेल्पिंग वब लाइक यहाँ पे हैड क्या है एच वी क्या है एच वी मीन्स हेल्पिंग वब ठीक है तो अगर हेल्पिंग वब के साथ यूज होता है तो याद रखना है हमें वो पेयर पिक करनी होती है हाँ यस आपको पेर पिक करनी होती है तो वब क्या होगा आपका इट विल बी हैड टोल्ड क्या होगा इसमें हैड टोल्ड सो ये होगा आपका वर्ब हैड टोल्ड एंड आपको पता है हैड विथ थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आता है आउट ऑफ ट्वेल्व कौन से टेंस में आता है येस इट इज पास्ट परफेक्ट तो आप यहाँ लिखोगे इट इज पास्ट परफेक्ट सिंपल ओके बहुत ही आसान है एवरी वन याद रखना है सो द आंसर इज पास्ट परफेक्ट ओके और व होगा हमारा हैड टोल्ड ओके okay. कितना ईजी याद रखना है ओके बट डोन्ट फॉग इट की हमें हेल्पिंग व प्लस मेन वब की पैर पिक करनी होती है आगे सेंटेंस क्या देखो दे हैव बिन लिविंग दे हैव बिन लिविंग इन द सेम कंपनी ओके सॉरी यहाँ पे एक वर्ड मिस करना है पे अटेंशन प्रॉपरली ओके यहाँ पे लिविंग नहीं है एक्स्ट्रा आ चुका है सो एक्चुअल सेंटेंस है दे हैव बिन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर टेन ईयर्स दे हैव बिन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर टेन ईयर्स तो यहाँ पे देखो क्या करना है अगर आप पिक करना सोच रहे हो कि वर्किंग पिक करना है तो यहां पे आपको अभी कुछ आइडिया आई होगी जो मैंने थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है सो so, यहाँ पे आपको लिखना है वर्ब ओके इज इक्वल टू एंड देन आपको लिखना है इट विल बी ओके सो हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्किंग एज अ मेन वर्ब सो आपको क्या करना है येस पेयर में आएंगे ओके हैव बीन ये होगा हेल्पिंग वॉप अलॉन्ग विल बी वर्किंग क्या होगा वर्किंग दैट्स इट क्या पर, निकला फिर हमारा इट्स हैव बीन वर्किंग ओके एंड हैव बीन और हैज बीन विथ आई एन जी कौन से टेंस में आता है यस परफेक्ट इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट

यस इट विल नॉट चेंज द फार्मा ओके इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ लू विस इट इज सिंगुलर सो फॉर सिंगुलर हम लेंगे द फार्मा हैज बिन स्प्रेड विल कन्वर्ट इन टू स्प्रेडिंग इट विल बीन स्प्रेडिंग ओके द फार्मा हैज बिन स्प्रेडिंग ये होगा आपका शुरुआत आगे होगा हमारा

मोहित इज वेयरिंग अव स्कूल यूनिफॉर्म मोहित इज वेयरिंग अव स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करना है इन सिंपल प्रेजेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंटेंस सो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे देखो आंसर में लिखना है सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट प्लस व फर्स्ट फॉर्म शुरुआत करेंगे मोहित सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होने वाला है मोहित देन ंग का हो जाएगा वे बट जब मैंने सिंपल प्रेजेंट आपको टीच किया था इन द वीडियो ऑफ टेंसेस सो मैंने क्लियर किया था इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट टेक्स एस ओ ऑफिक्स तो मोहित इज ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट सो वे विल कन्वर्ट इन टू वैस ओके मोहित वैस सिंपल प्लेंट में कन्वर्ट करना है ठीक है सो मोहित वैस आ न्यू स्कूल Uniform is uh, that clear, guys? Yes, Mohit wears a new school uniform. This is your answer. Taken okay. so I have more questions here, so please take its screenshot. Question number seven uh, They were spending their holiday happily, okay? Convert uh, karna change into past perfect seven number question and number eight. The principal has punished some students. Change into past continuous. So question number seventh and number eight. Take this as a homework, guys, and please answer these both questions and send in my comments. Comment section may have send to answers. So I will wait for those answers and be careful using the past perfect structure in the question number seventh. And now the past continuous structure in the question number eight.